की जो यूथ है, राइट, मैक्सिमम यूथ आई थिंक जो है वो स्मोक करती है, तो बहुत ही गंदी हैबिट है ये, जो व्यसन है ना, यही जो है आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं, आपकी शरीर को कमजोर करते हैं, आपके माइंड को, और आपकी जो फाइव बॉडीज हैं, अन्नमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष तक, हर एक कोष को ये वीक करते हैं। तो देखिए, व्यसन का होने का मतलब ही यही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए कैसे रिलीज होगा, आपको अपना इच्छा शक्ति मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं होगा कि आप स्मोक करते हैं कि आप सोचें कि कल से मैं प्रण लेता हूं और स्मोकिंग, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले आप उसको कम करना स्टार्ट करें, राइट, और फिर उसको रिप्लेस करें किसी पॉजिटिव हैबिट के साथ, ठीक है। तो देखिए आप, ठीक है, आपको स्मोकिंग करना अगर अच्छा लगता है, तो आप ये सोचिए कि स्मोकिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, डिवाइन लगती है, राइट। तो उस समय ऑटोमेटिकली ये एनएलपी भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जब ऐसी चीज जो स्मोकिंग से ज्यादा आपको अच्छी लगती है, जब आप बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस जो है वो फील करते हैं, उस समय कुछ बॉडी मूवमेंट्स कीजिए। सपोज इस तरह से मैं थपथपा रहा हूँ, राइट, जब भी वो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है तो मैं ऐसा एक्शन कर रहा हूँ, ओके। इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा एक बार नहीं, ये बहुत बार होना चाहिए, 1 महीना खाली आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जब भी वो डिवाइन एक्सपीरियंस आपको फील होता है तो आप ये मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही करना है, आप सपोज कान को ऐसे कर रहे हैं, लाइक इसको ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा मूवमेंट्स जो है आप कर रहे हैं, तो 1 महीने में सबकॉन्शियस माइंड, 21 डेज लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए किसी भी हैबिट के लिए, ठीक है। तो उन 21 डेज के बाद अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो वही आपको डिवाइन एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर धीरे धीरे जब आप ये पाएंगे कि स्मोकिंग करने के लिए अब मेरा मन कर रहा है, तो फिर आप जैसे इसको करेंगे तो फिर मन कहेगा नहीं यार, स्मोकिंग में जितना मजा आ रहा है उससे हजारों गुना ज्यादा मजा तो मुझे उस एक्शन में आ रहा है, तो आप स्विच हो जाएंगे। इसी को कहते हैं स्विच हो जाना, और यही पावरफुल मेथड है ऐसे व्यसनों को, ऐसी गंदी आदतों को रिलीज करने का। तो मैं समझता हूं ये जो बात है आपके समझ में आई होगी, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आप ये चीज करो, स्मोकिंग जो है छू हो जाएगी।